Very good morning, sir. Good morning, guys. So, can you describe me this place and about the time and extra and any other accessories? All this time, sir, Rukum pe hai. Ye around 5,059 meter pe hai. और आज हमारी टीम ने मॉर्निंग 2 o'clock वेकअप होने के बाद सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और उसके बाद यहाँ से करीब 250-300 मीटर ऊपर जुनार गली है। अभी भी हमारी टीम जुनार गली क्रॉस करके वापस आई हुई है। और ये रुकुन का, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मार्थोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूज है। यहाँ पर के जो नरकंकाल मिले हुए हैं, स्कैलेट्स मिले हुए हैं, उन पर काफ़ी सारी हिस्ट्रीज के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है, जिसपे NGC हो या फिर नेशनल ज्योग्राफी चैनल हो, इन सभी ने यहाँ पे किया हुआ है, रिसर्च की हुई है। सर, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। सर, अभी जो हम जुनार गली हाइट पे रहते हैं, उसकी हाइट लगभग कितनी होगी? उसकी हाइट अकॉर्डिंग टू कंट्रोल मैप, मैंने लास्ट में मैप पे देखी थी, 5333 और अभी जब GPS चेक कर रहा हूं तो 5102 मीटर के आगे। और सर, यहाँ पे जैसे अभी तक सूरज नहीं पहुँचाया, जैसे कहते हैं हिमालय में सबसे पहले सूरज आता है, क्योंकि हम लोग अभी इसका रीजन ये है कि ये है नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट हमारे बैक साइड पर, यहाँ पर सर। वन मोर क्वेश्चन सर, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ अट्रैक्टिव चीज़ आपको पूरे रूपकुंड ट्रैक में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ें क्या है जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करेंगी रूपकुंड ट्रैक करने के लिए? रूपकुंड अपने आप में पूरा ही एक अट्रैक्टिव ट्रैक है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, अच्छा हर कोई कर सकता है, नया बंदा भी इसको कर सकता है। दूसरा, यहाँ के जो मानव जो नरकंकाल मिले हुए हैं उसके ऊपर, और दूसरा इसकी लेक की ब्यूटी जो है कि ऑल द टाइम अगर समर में आप आएंगे तो फ्रोजन मिलेगा। इन सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पे, अक्टूबर तक फिर ये वापस फ्रोजन रहता है, सिर्फ सेप्टेम्बर अगस्त में ये खुला रहता है। और इस ट्रैक का अच्छी बात ये कि आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं ऑल द ईयर। ओके सर, इसलिए सर यहाँ पे क्या बोलते हैं मार्च से लेकर अक्टूबर तक यहाँ के पोर्टल्स और यहाँ के जो शॉप्स लगी हुई है वो इसलिए बताते हैं कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे रहते हैं। अभी कुछ दिन कुछ टाइम का बंद होगा, यही होगा कि यहाँ पे ऐसा रहता है। सर, कोई सर कोई लिविंग बींग्स मतलब एनिमल्स वगैरह भी मिलता है यहाँ कुछ, मतलब जो दिखने को भरल है? अच्छा, माउंटेन गोट एक तरीके से आप समझ लीजिए, भरल्स है, और माउंटेन रैट है विदाउट पूछ का चूहा है, बर्ड्स काफ़ी है। उसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे ये बेयर्स भी हैं, जो मैंने तो नहीं देखे हैं बट लोकल्स के मुँह से सुना है कि बेयर्स हैं। ठीक है, मोनाल नीचे होगा, अभी तो डाउन हो गया होगा, यहाँ पे अभी इस टाइम पे नहीं मिलेगा, वो समर विजिटर्स है, अब तक तो नीचे उतर के होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।